想到真的吧，真的吧，真的吧，想到真的吧，真的吧，真的吧，我的妈呀，真的吧，真的吧，真的吧，我的妈呀，真的吧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 ，想到真的吧，真的吧，真的吧，想到真的吧，真的吧，真的吧，我的妈呀，真的吧，真的吧，真的吧，我的妈呀，真的吧，真的吧，真的吧，他爸爸是不爱他，奈让是你来他，他爸爸是不爱他，奈让是你来他，真的吧，真的吧，真的吧。Аклет, боя, джиндаба! Набад! प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद तथा उत्तर प्रदेश की चार चार बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय परम आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। हम सभी लोग, सभी मतदाता, सभी पदाधिकारी बंधु उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरे साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश सिंह यादव जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम सभी लोग उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद राज्यसभा भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम सभी लोग उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में माननीय बहन जी के छोटे भाई श्री आनंद जी के सुपुत्र श्री आकाश आनंद जी भी हमारे बीच में कृपा कर पधारे हुए हैं। हम सारे लोग उन, सबसे पहले मैं लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर के संगठन महागठबंधन के उम्मीदवार श्री दिलीप कुमार सिंह से अनुरोध करूंगा, वे श्री जगजीवन राम जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, दोनों लोग मिलकर के आदरणीय बहन जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। अब मैं गठबंधन के प्रत्याशी जालौन लोकसभा के उम्मीदवार श्री अजय सिंह पंकज व जगजीवन राम से अनुरोध करूंगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश जी को साइकिल चुनाव चिन्ह दे करके सम्मान करने का काम करें। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, गुलदस्ता भेंट कर जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं श्री वीरपाल सिंह जी, कृपया आए और गुलदस्ता भेंट कर उनका भी सम्मान करने की कृपा करें। श्री आकाश आनंद जी हमारे बीच में हैं, उनका गुलदस्ता भेंट कर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री परशुराम पाल जी सम्मान करने का कष्ट करें। इसके बाद मैं श्री चिंतामण जी से निवेदन करूंगा कि आज हमारे इस मंच में चुनावी जनसभा में लोकसभा क्षेत्र झांसी के प्रत्याशी श्री श्याम सुंदर जी मौजूद हैं, गुलदस्ता भेंट करके उनका भी सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय बहन जी को अब साथियों परशुराम
पाल जी जो जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जालौन के हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में मौजूद श्री आकाश आनंद जी को गुलदस्ता भेंट कर सम्मान करने का कष्ट करें। बड़े इंतजार के बाद अब हमारे बीच में वो घड़ी आई है कि इस देश की करोड़ों करोड़ों लोगों की रहनुमा, इंसानियत और इंसाफ की प्रतीक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कृपया वो आएं और हमें संबोधित करें तथा मार्गदर्शन देने की कृपा करें। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए यहाँ गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग सपा बसपा व आरएलडी के बने गठबंधन के अपने लोकसभा उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को भी सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और वैसे आज मुझे आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग नमो नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और जय भीम वालों को ही लाने वाले हैं, और आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन का अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो सबसे पहले केंद्र में और देश के ज़्यादातर राज्यों में भी यह कांग्रेस पार्टी ही पावर में रही है, लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी ही पावर में रही है, और आपके उत्तर प्रदेश में भी लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी इधर सत्ता में आसीन रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के शासनकाल में यहाँ सब समाज में से खासकर कमजोर वर्गों, गरीबों, बेरोजगारों व अन्य मेहनत कश लोगों की जो इन्होंने उपेक्षा की है तो ये किसी से छिपा नहीं है, और ख़ास तौर से बुंदेलखंड के लोगों को ये मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के ही लंबे अरसे के शासनकाल में आपके इस बुंदेलखंड में तो यहाँ के लोगों की गरीबी व बेरोजगारी दूर नहीं हुई, और बड़े पैमाने पर लोग आपके बुंदेलखंड को छोड़कर रोटी रोजी के लिए देश के बड़े बड़े महानगरों में जाकर बस गए, देश के बड़े बड़े महानगरों में जाकर बस गए। सबसे ज़्यादा पलायन रोटी रोजी के लिए कांग्रेस पार्टी की हकूमत में हुआ है, ये बात भी आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए आज जो कांग्रेस पार्टी तो जगह जगह जाकर ये कह रही है कि हम गरीबी को दूर करेंगे, हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, यदि कांग्रेस पार्टी ने वास्तव में गरीबी और बेरोजगारी दूर की होती तो
तो फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता से आज बाहर क्यों हमें नजर आती? और यदि कांग्रेस पार्टी ने सही मायने में सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा होता, खास तौर से वीकर सेक्शन के हितों का पूरा ध्यान रखा होता, तो फिर हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही फिर यहाँ सपा व अन्य और पार्टियों का भी गठन होता। अब इनकी ये गंगा मैया फिर से इनको केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपना आशीर्वाद इस बार कतई भी इनको देने वाली नहीं है। चाहे ये लोग इनको मनाने के लिए यहाँ अपनी कितनी भी पूजा पाठ आदि क्यों ना करते रहें। और इसकी मुख्य वजह ये है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में